और यहाँ खींचेगा जी इस इंदु का पोपट। पोपट क्या खींचेगा, इसने पहले तो दूसरा जग लिया जिसमें जूस बनाना था, वो है कह का मौसमी वगैरह का। अब ये दूसरा जग लिया फिर, है ना, अब दूसरा जग लिया, दो हाँ, दूसरा गिलास लिया। जो वो जो पीसने का अलग है, खुरचने का अलग है। बच्चे इसी के लालच में पिए हैं ऐसा जूस को। मैं सुंदर लगे है ना तो फिर उसे खाने में भी मजा आवे। जो चीज देखने में सुंदर नहीं उसे खाने में भी मजा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रूही रूही बच्चे को पेपर, और उस दिन भी मैडम ने बोला था कि मैडम ने कर दिया हम लोग जैसे सोया। इशू हेलो करो। कैसा है, कैसा लगा बेटा? सुंदर लगा। तो ये मेरा आपका बछड़ा गुड्डू ना रही है अभी। हाँ, और भी बछड़ा जूस तो हाँ, कोई बात तो हम भी पी ले आपका। ये मेरा स्टील के गिलास में, ऐसी ना इंसाफी क्यों? कांच में दूसरी फीलिंग आवे, तुम कभी दूसरी फीलिंग ले लो। ठीक। ऊपर नहीं जाने की हो? ऊपर नहीं जाने की? थकी यहाँ से दिखे पूरा पिंजोर है ना चारों तरफ। तो जी दोपहर का हो गया है टाइम, 12:30 के करीब हो गए, और सुबह का जो काम है वो सारा निपटा लिया मैंने। बर्तन रसोई साफ सफाई पोचा इसलिए लगाया वीरवार था, और कपड़े शाम धो लेते तो डालिया ही थी, और अब मुझे जाना है नहाने। तो नहाने से पहले यहाँ मैंने दोपहर के खाने के लिए चावल भिगो के रख दिए, और इधर रख दी है दाल उबलने के लिए। तो जब तक नहा धो के आएंगे तो दाल उबल जाएगी, फिर उसके बाद जो है मतलब क्या बोल लग रहा है तड़का लगाना रह जाएगा और चावल। और मतलब धूप ठीक ठाक हो रही है और आज गर्मी भी बहुत हो रखी, तो बस अब जब पहले मैं कपड़े ले आऊँ उतार के ऊपर से, उसके बाद मैं जाऊँगी फिर नहाने के लिए। और बाकी तो बस हल्ला ही पड़ा, और आज बहुत दिनों के बाद मैं साड़ी डाल लूँगी, क्योंकि जब से गांव में से आई रामपुर से मतलब अपने घर से तब से मैंने साड़ी नहीं डाली, और आज मैं डाल लूँगी साड़ी, ये वाली साड़ी। आप लोगों को भी बहुत पसंद है ये वाली साड़ी, तो आज ये पहनूंगी मैं। तो पहले मैं छत पे जाऊँ कपड़े लेने के लिए, सूख गए होंगे, और सबसे ऊपर 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ कर जानी पड़े हैं, और दिन में 1-2 बार चक्कर मार लो ऊपर के, और एक्सरसाइज का काम पूरा। तो और वैसे भी अभी थोड़ी वीकनेस सी फील होती है, तो जैसा कि आप लोग भी बोल रहे थे कि मेड रख लो मेड रख लो, तो हम भी सोच रहे हैं अब कि भाई वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काम तो पसंद आता नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि मुझे मैंने 1-2 बार रखी है मेड, लेकिन मुझे काम ही नहीं पसंद आया, तो इसलिए फिर मैं हटा देती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा कि नहीं रखना ज़रूरी है, एक तो काम भी है और फिर बच्चे भी, और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ नहीं सही रहती, तो उसके लिए ज़रूरी है। और कृष्णा के डैडी फ़िलहाल बोल रहे हैं कि तू खाना ही बना लिया कर, वही बहुत है, बाकी काम तो जो है वो होते ही रहेंगे। और ये भी लगता है कि भाई अपने बच्चों के लिए टाइम पे खाना वगैरह बना ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो
तो अभी तो सोचा है हमने कि हम रखेंगे, अभी उस पे अमल नहीं किया, तो देखते हैं कि अगर मिलती है। और हमारा भी ये है कि जो मिले मतलब अच्छी मिले। मैंने रखी है जो एक दो पहले, उनमें से सोच रही हूँ, क्योंकि उनमें से एक है जो बहुत अच्छा काम करती थी मेरे पास। और मतलब वो काम ऐसे करती थी कि उसका पता ही नहीं लगता था कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही, मतलब बिल्कुल शोर शराबा नहीं कुछ नहीं। तो बस सोच रहे हैं, अभी तो फिलहाल जब तक मेड नहीं है या जो हेल्पर नहीं है वो नहीं है, तब तक तो खुद से करना है। और कोशिश करेंगे कि एक दो दिन में ही मिल जाए। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर और कपड़े लेने के लिए, और उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर आपको नहा के तैयार होके मिलती हूँ। तो जी नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार, और डाल ली है मैंने साड़ी और मैचिंग चूड़ी, मैचिंग बिंदी लिपस्टिक मिली नहीं मुझे मैचिंग की। असल में मैंने ना एक कल नई लिपस्टिक मंगवाई, वो जो आ नहीं रही 5 in 1 वाली, जिसमें एक में ही वो 5 आती हैं, तो वो मंगवाई, उनमें से आज मैंने लगवाई। वैसे तो ये कलर रस्ट कलर है, लेकिन इसमें ये रेड रेड सा नज़र आ रहा, पता नहीं क्यों, शायद फ़ोन में कलर कॉम्बिनेशन का कुछ ऑप्शन होता होगा। तो जी चलिए, खैर टाइम बच गया है 1:15, और दाल तो उबली गई थी, अब मैं चावलों का रख दूंगी पानी और दाल में लगाऊंगी तड़का। तो ये भी आने वाले हो रहे सारे, जो हैं जीजा जी, कृष्णा के डैडी और इसके चाचू सारे। तो बस फिर चलिए जी, करते हैं शुरू। दाल चावल बना मैंने दिया था, मेरी टांगों में दर्द हो गया तो फिर गुड्डू ने सबको दे दिया। और इधर बैठे हैं पंडित जी। पंडित जी कौन हूँ मैं? कृष्णा। अरे कृष्णा कैसे खोलू, इधर तो देख ले मेरे बेबी। कृष्णा कैसे हो? देख तो ले मेरा जट। आज गाना गा रहा था, पता कौन सा, बचपन का प्यार वाला। जाने मेरी जाने मन गाइए आगे कृष्णा। हाँ। गा रहा ये। तो जी चलिए बस फिर अभी खा रहे। आशीर्वाद का आटा है यो। आटा बढ़िया नहीं है, चक्की का ही आटा लाया। वो बस फिर गेहूं साफ करूंगी। तो गेहूं साफ कर देंगे उसे तो। रबड़ सी खींचा है इनकी तो। असल में हमें आदत नहीं है ना बाहर की, अपने घर की बहुत सारी चीजें, आटा उट्टा, तो ये चावल ऐसे घर के ही बढ़िया लगे हैं हमें, बाहर के नहीं लगते बढ़िया। मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं। वो गेहूं नहीं साफ हुए ना, तबीयत भी खराब हो गई थी, कुछ वर्क लोड ज्यादा हो गया था, तो मेरे पास साफ नहीं हुए गेहूँ। बस सोच भी धो भी नहीं सकते ना ऐसे मौसम में, अब देखूंगी बस वो साफ ही करेंगे उन्हें। तो जी चलिए बस अभी तो खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आओ और खाना शुरू करो हमारे साथ। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, और टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं। तो व्लॉग तो अभी आप देखा ही होगा कि बन ही नहीं पा रहा है, तो आज हमने सोचा कि 10 मिनट सबसे पहले तो आपसे बात कर लें। देखिए जब भी किसी भी परिवार में कोई दिक्कत आती है तो एकजुट रहना होता है, और वो सबसे ज़रूरी काम होता है। तो हमारे परिव्वार में भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो व्लॉग चलो ठीक है, अच्छी बात है, रूटीन का होना चाहिए, हर रोज़ का होना चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो फिर व्लॉग ठीक है, अपने टाइम पे होना चाहिए, लेकिन उसको भी कई बार रोकना पड़ता है, जो कि हमने भी किया है। तो मेन बात यह है कि फ़िलहाल जो प्रायोरिटी है उस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। हमें लगा कि व्लॉग भाई ये हमारा काम है, ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल पहले जो ज़रूरी है वो हेल्थ है, वो चाहे मेरी है, चाहे आशु की है, चाहे किसी की भी। और मतलब एकदम से जब कोई चीज़ हो जाती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम प्रिपरेशन कर सकें उस चीज़ के लिए या रेडी हो जाए।
जो आंसू की प्रॉब्लम है वो एकदम से हुई, तो हम उसके लिए रेडी भी नहीं थे, ना वो तैयार थी ना हम तैयार थे, लेकिन फिर भी चलिए हमें लगा कि नहीं भाई अगर लेट करेंगे तो शायद दिक्कत ज़्यादा हो जाए या कुछ भी, तो इसलिए फिर मैं कहा चलो करवाओ। तो ये है कि कई बार कुछ काम करने के लिए कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं, तो फिर हमें लगा कि चलिए लोग कोई बात नहीं, 5-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा, पर फिलहाल उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ज़रूरी था करना काम, तो इसलिए फिर हमने भी इतना नहीं ध्यान दिया कि चलिए कोई बात नहीं, पर फिलहाल जो है उसकी हेल्थ में थोड़ा सुधार है आंसू की, और थोड़ा सा मेरी भी जो मतलब काम का रूटीन है उसमें भी थोड़ा सा रूटीन बन रहा, तो फिर मैं कहा चलिए थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब एक बार बीच में ब्रेक सा लग जाए तो नया स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो कई बार कर भी लिया शुरू कि चलिए करते हैं शुरू, फिर काम में ऐसे उलझ गए कि नहीं बस फिर वो बीच में छोड़ना पड़ गया, छोड़ना पड़ देता है। कई बार हमने सोचा भी कि चलिए कर ले, फिर हमें खुद से लगा कि नहीं भाई पहले वो चीज़ ज़रूरी है वो करेंगे, उसके बाद फिर हम ध्यान देंगे, क्योंकि जो ध्यान है ये अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, मैं अपने काम पे नहीं कर पा रही थी, उधर आंसू की भी तबीयत खराब थी, फिर मेरी तबीयत खराब होगी, फिर बीच में जो काम है सारा इन दोनों भाइयों को संभालना पड़ा, तो एकदम से मतलब कई चीज़ें इकट्ठी होगी, तो उस करके जो है फिर हम अपने मैंने कहा चलिए कुछ चीज़ों को फिलहाल के लिए हम रोक देते हैं, इन्होंने भी कई दिन काम नहीं किया, अब कल से इन्होंने भी अपना मतलब बुटीक पे जाना है या वीडियो वगैरह अपनी 2-4 बनाई है, नहीं तो फिलहाल जो हमारा यूट्यूब का काम है बंद सा ही पड़ा था, लेकिन अब जैसे जैसे लाइफ ट्रैक पे आ रही तो काम भी ट्रैक पे आता ही रहेगा। और आपने एक चीज़ और बतानी है, जैसे इसकी तबीयत खराब हुई थी, 2 दिन तबीयत खराब रही, और उसके बाद आज ये साड़ी में कैसी लग रही है देखिए, आज ये साड़ी पहन पहन के कि नहीं आज इसने और ये जो कलर है ना ये सोफे से मैच करते हुए लिया या सोडी नहीं ये साड़ी सबको मेरी ये सबको पसंद आती है, मैं यही कहने वाला था, तो पीछे मुझे दिखा ये सोफा, मैं चल सोफे के बारे में तारीफ तो मैंने इसीलिए डाली क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही थी, तो मैं कुछ अलग कुछ नया कुछ अलग नहीं अलग क्या है, तो आपको पता ही है पुरानी साड़ी है, ये साड़ी को मैं आपको बताऊं ये 8 साल पुरानी साड़ी है मेरी, 8 साल पुरानी है इसे? अच्छा जी 8 साल पुरानी साड़ी है ये, बड़ी केयर करके रखती है कपड़ों की, केयर का तो इनकी तरफ देख लो, अगर केयर ना करती तो हेल्दी होते, ये सफेद बाल है इसमें क्या करूँ, तो सफेद बाल से तो छोटे छोटे बच्चों के आ रहे सफेद बाल, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जी बर्तन वगैरह धो दिए मैंने और शाम का टाइम हो रखा और बादल हो रहे, बारिश होकर एक बार चली भी गई, तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आंसू के लिए दूध, जो पत्ती वाला दूध होता है ना वो, क्योंकि ना तो खाली दूध देते और ना चाय देते अभी, तो दूध में जो है हल्की सी पत्ती डाल दें, और अपने लिए मैं बनाऊँगी कॉफ़ी क्योंकि चाय मैंने कर दी है पीनी बंद, और सुबह के टाइम बस 1 कप मैं चाय पीती हूँ, तो क्योंकि मेरा बीपी जो है वो लो रहने लगा है, तो इसलिए मैं नींबू पानी या कॉफ़ी ले लेती हूँ, तो पहले मैं आंसू के लिए बनाऊँगी ये दूध, उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी, और कुछ नहीं है बस मैं दूध उबाल डाल के हल्का सा मीठा डाल के और ऊपर से फिर उसमें बाहर कॉफ़ी ऐड कर दूँगी, तो ऐसे ही मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, वैसे नहीं कि जो फेंट वगैरह के बनाते हैं ना, फेंट के बनाते हैं कॉफ़ी, वो मेरे से बनानी नहीं आती, पर कोई नहीं जी फिलहाल कॉफ़ी को मैं दवाई के तौर पे पी रही ना कि ड्रिंक के तौर पे, तो बस ये आंसू के लिए दूध हो जाएगा, फिर आंसू से मिलवाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। कॉफ़ी शॉफी सारी चीज़ रेडी, और चलिए चलते हैं आंसू के पास, ये लेटरी आंसू पड़ी चाहिए। चलो जी बस अब हम बैठेंगे थोड़ी देर, चाय की चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, बच्चे जा ले सारे ट्यूशन और कृष्णा सोया हुआ है इसीलिए थोड़ी सी शांति महसूस हो रही है आज। हाँ गुड्डू की भी, अब हमारी गुड्डू की क्लास होगी, अब मैडम ने बोला क्लास ओवर होगी, अब जितना टाइम बचा फोन देखना, फोन ना रख दिए
आजकल के बच्चे ये नहीं, वो छोटा सा इनने गुड्डू ने मारी और उसा कृष्णा, ये दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बसे। आई देख के बेटे कभी तू लोटा बन जा, दोनों की नस्ल सकल एक ही, जो इसे चाहिए वो ही उसे चाहिए। कौन सा गाने देखेगी तू? अकड़ा दी पट्टी। और उसे भी पूछ लियो, वो भी वही दो तीन गाने जो इनने उसे सिखा रखे ना, मैं ही गावे और मैं ही बतावे, वो अपने जैसा बना दिया इनने उसे। पसंद भी सारी, में ही है इसी की। मैगी पे दोनों बाण भाई, एक का टूट का पड़ेंगे। और कुछ दे और कुछ दे ना दे, मैगी दे दो बस इन्हें। ज्यादा ही हो गया। और जी टाइम हो गया 10:15, और मैं आपको दिखाऊं सुबह को घर जितना साफ सुथरा हो ना, ये देख लो अब घर की हालत। रात को इतना आतंक मचा कर रखे हैं, और सुबह को जब मैं इसे कवर करूँ ना तो बस देखो वहाँ जाके बैठेंगे कुर्सी पर, जिससे यूँ पता लगे कि इन्होंने भी खराब करा। इन्होंने फरस नीचे तार रखा, बाहर नहीं घूम सकते हैं जाके, कभी इनका नजर लग जा। हाँ मैं तो इन्हें सवेरे ही खिटका दे दूँ, मगर जो उनका सबसे ज्यादा खिंडा होगा उसे सांझ को इनाम दूंगी मैं, है ना। तो मैं देखो उसे सबसे ज्यादा सफाई करने का उसे। तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, हमारी आपसी नोक जोक बातचीत जो है बस इसी तरीके से, जो हमारी जो लाइफ है फिलहाल कट रही है आपस में, एक दूसरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड हो जाए पता भी नहीं चलता, और ये सब बड़े मस्खरे। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जी चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू कह रहा धमका रहा।